राम राम भाई सर, मेरा नाम अनुज गलावत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो आज की वीडियो है उसमें हम थोड़ा हा लॉकडाउन चल रहा है, आपको पता ही इतना टाइम हो गया खींचते हुए कि इस लॉकडाउन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इस टाइम को, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे कि घर पे खाली ना बैठ के कुछ काम करें तो आगे जाके अपनी हेल्प होगी और मतलब यूजफुल भी रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में बात करेंगे, तो इसमें सबसे पहले तो इंट्रो देख लो चैनल का। हाँ तो भाई इंट्रो वगैरह देख लिया तो है ना। चलो फिर आज बात करते हैं कि आप पायलट ट्रेनिंग कर रहे हो या फिर आपने स्टार्ट नहीं की है, तो मतलब क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके काम रहेंगी, काम भी आएंगी और कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और आप घर पे खाली बैठे बोर भी नहीं होगे, ठीक है। आई नो बहुत बोलेंगे नेटफ्लिक्स है और इंस्टाग्राम यूट्यूब वगैरह ये सब चला हुआ है, आई नो सब चला हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके काम आएंगे आगे जाके, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अभी एग्ज़ाम्स नहीं लिखे हैं अभी, ठीक है। आपने एग्ज़ाम्स नहीं लिखे हैं या फिर आप अब्रॉड आ गए हो या फिर अब्रॉड नहीं हो या फिर इंडिया में ही हो, एग्ज़ाम्स नहीं लिखे, तो सबसे नंबर वन पॉइंट होगा वो एग्ज़ाम्स का होगा कि भाई आप एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है अपने। और जैसे लॉकडाउन वगैरह खुलता है अपने एग्ज़ाम्स जाके बाद में लिख दो, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन होगी, आप जब जस्ट रिवीजन होगा उसके बाद आपका, जब भी पढ़ोगे तो रिवीजन करके जल्द जाके अपना एग्ज़ाम्स दे सकते हो, ठीक है। तो अपना एग्ज़ाम्स के बारे में पढ़ सकते हो और इसके अलावा एग्ज़ाम्स ही मेन है। और देखो अगर आपने एग्ज़ाम्स क्लियर कर लिए तो क्या, अब मान लो हम साउथ अफ्रीका हैं या फिर आप किसी यूएस कंट्री गए हो तो उसके एग्ज़ाम्स पढ़ो, ठीक है। मतलब कि आप जैसे मैं साउथ अफ्रीका के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करूँगा तो उस एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ सकते हो जिस कंट्री में आप फ्लाइंग करने गए हो। तो एग्ज़ाम्स एक पॉइंट हो गया। उसके बाद बात करते हैं कि सेकंड पॉइंट नंबर, अगर आपके पास सिमुलेटर है ना तो आप सिमुलेटर फ्लाई कर सकते हो। मतलब कि सिमुलेटर है तो बेस्ट चीज़ है कि आप सिमुलेटर फ्लाई करो, मतलब कि आपका मतलब जो बोलते हैं ना कि एक टाइम गैप आ जाता है, थोड़े टाइम के बाद फ्लाई करते हो तो आपको थोड़ा हाथ जमने में टाइम लगता है, तो वही चीज़ है कि आप सिमुलेटर फ्लाई करते रहोगे तो आप यूज टू रहोगे उस चीज़ के और आपको अचानक से ये नहीं लगेगा कि यार अब इतने दिन के बाद फ्लाई कर रहा हूँ, अच्छे से फ्लाई कर पाऊँगा या नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी अगर आप सिमुलेटर फ्लाई करोगे तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि आप फ्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो एक चीज़ ये होगी कि सिमुलेटर फ्लाई करो, अगर नहीं है तो भाई वो बात अलग है, लेकिन जिसके पास उसके लिए बोल रहा हूँ सिमुलेटर फ्लाई कर सकते हो। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो होगा मेरा, वो हम बात करेंगे कि आप कुछ ना कुछ नया सीख सकते हो इस लॉकडाउन में। जैसे कि आपका ड्रीम तो हो गया कि पायलट बनना था, लेकिन इसके अलावा कई चीज़ें क्या हैं कि आप अल्टरनेट भी सीखना चाहते हो। जैसे आपका फोटोग्राफी का शौक है, ठीक है, तो मोबाइल फोटोग्राफी सीख सकते हो, उनका कोर्स वगैरह डिप्लोमा वगैरह ऑनलाइन बहुत सारे आज के टाइम पे फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं, जाके किसी भी मतलब गूगल पे सर्च करो आपको मिल जाएंगे। तो ऑनलाइन आप सीख सकते हो, डिप्लोमा ले सकते हो ऑनलाइन, और प्लस में जैसे आपका फोटोशॉप हो गया, जैसे अभी मैं फोटोशॉप सीख रहा हूँ, प्लस में आपका प्रीमियर प्रो हो गया, किसी को भाई वीडियो एडिटिंग और अच्छी बनानी है तो प्रीमियर प्रो की क्लासेस ले सकते हैं, और आपका आफ्टर इफेक्ट की क्लासेस ले सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग क्लास ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्लासेस आप ले सकते हो और आपकी जो हॉबीज़ है ना उनमें मतलब कि और बेटर कर सकते हो आप सीख सकते। मतलब ये टाइम ऐसा है कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा इंटरनेट की दुनिया से, तो आप फ्री में घर बैठे सीख सकते हो, तो इस टाइम को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा जो फोर्थ पॉइंट होगा वो होगा कि जैसे आप मान लो कि घर पे हो तो अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हो, अगर घर पे हो तो, ठीक है, अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हो। प्लस में अगर एब्रॉड हो तो आप कुछ नया बनाना सीख सकते हो, मतलब कि खाना वगैरह नया बनाना, कुछ नई डिशेज सीख सकते हो, क्योंकि खाना तो आपको ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ नया बनाना सीख सकते हो कि क्या, हाँ ये डिश भाई मेरे को आती नहीं है तो चलो आज ये ट्राई करके देखते हैं, यूट्यूब पे जाओ सर्च करो कि ये कैसे बनती है और ट्राई करो, मतलब आपको भी आ जाएगी और आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, कुकिंग स्किल्स आपकी अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। तो एक मेरा लास्ट पॉइंट और था कि अगर जिसके एग्ज़ाम्स भी क्लियर हो गए हैं उसका, और अपना जो अगर बाहर भी फ्लाइंग कर रहा है वो भी एग्ज़ाम्स क्लियर हो गए हैं तो वो अपना जो है ना रिवाइज कर सकता है, क्योंकि कभी भी मतलब कि स्टडी कभी भी है ना, ज्ञान बोलते हैं ना कि कभी वेस्ट नहीं जाता, तो वही चीज़ है कि अपना रिवीजन वगैरह कर सकते हो हर चीज़ का दोबारा से, या फिर अपना यूट्यूब पे वीडियो देखो तो अपने फ्लाइंग से रिलेटेड वीडियो दे सकते हो, एटीपीएल से रिलेटेड वीडियोस दे सकते हो, कुछ नया सीखने को मिलेगा कि। तो ये सब चीज़ें हैं कि इसके अलावा, मैं ये नहीं बोलता कि हर टाइम ये चीज़ें करो, लेकिन ये टाइम आप अपने लॉकडाउन में कर सकते हो। इसके अलावा आप अपना जो भी एंटरटेनमेंट का देखना है भाई, कोई वेब सीरीज़ देख रहे हो तो हाँ वो चीज़ें भी हैं, वो कर सकते हो। आपका जो क्वारंटाइन है ना वो बेकार नहीं जाएगा, आपका जो लॉकडाउन है वो यूज़फुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं कि आप अपने इस लॉकडाउन में कर सकते हो, वो आपको देखना है कि आपको क्या बेस्ट लगता है आपके हिसाब से, और वो चीज़ करो, ठीक है। और अपने पेरेंट्स की हमेशा हेल्प करो भाई, क्योंकि अभी वही बात है सभी घर पे हैं तो वो काम और भी बढ़ जाता है। तो ये चीज़ है कि अपने पेरेंट्स की हेल्प करो और
सबको खुश रखो, आप खुद भी खुश रहो, ठीक है। तो आज की वीडियो में मेरे को इतना ही बताना था, बताना मेरे को कमेंट करके वीडियो कैसी लगी, और कुछ भी क्वेरीज हो मेरे को कमेंट कर देना, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिख रहा होगा, इस पर मैसेज कर देना, या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे मैसेज कर देना, ठीक है। जहाँ पे भी आपका मन करे मैसेज मेरे को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रिस्पॉन्स मैं हमेशा देता हूँ। और भाई जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई, कि ताकि अपने चैनल की भी कुछ ग्रोथ हो जाए, और ताकि मेरे को भी मतलब थोड़ा एक मोटिवेशन मिले। आप लाइक भी करके जाते हो, कमेंट करते हो, चाहे कमेंट अच्छी बुरी कुछ भी करो यार, ताकि मेरे को रिस्पांस मिले कि आप कमेंट कर रहे हो, तो हाँ भाई कुछ अगर कमी है तो मैं उसको आगे वीडियो में सुधारने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जितने भी एविएटर्स हैं आने वाले वो सभी इंटरेस्टेड हैं, तो उस चीज़ के लिए मैं वीडियोज़ बनाता रहूँगा फिर, ठीक है। चीज़ है कि आप भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो, और एक बेल आइकन का बटन आता है, तब भी मतलब वीडियो आएगी ना तो आपको पता लग जाएगा कि वीडियो आई चैनल पे, और आप उसको जाकर देख सकते हो, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें भाई, अपने माता पिता का ख्याल रखें। बाय गाइस, टेक केयर, खुदा हाफिज़, वंदे मातरम।